विश्व जनसंख्या दिवस आज, सीएम योगी लखनऊ में यूपी जनसंख्या नीति 2021-30 का करेंगे विमोचन। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए नव दंपतियों को बांटेंगे शगुन के। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत पर बोले सीएम योगी, ये सरकार के काम के नतीजे का परिणाम। पीएम मोदी ने जीत के लिए सीएम योगी को बधाई दी। अगले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 736 करोड़ की लागत से बने 75 विकास परियोजनाओं का कर सकते हैं उद्घाटन और लोकार्पण। चित्रकूट में संघ की वार्षिक बैठक का चौथा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी बड़े पदाधिकारी होंगे शामिल। देश के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। देश के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में हो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट। बुलंदशहर सियाना ब्लॉक प्रमुख बनी निर्दलीय ललिता चौहान, बीजेपी की शिखा त्यागी को ललिता चौहान ने 3 वोटों से हराया। ललिता चौहान को मिले 27 वोट। ललितपुर में तालबेहट इलाका प्रमुख चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत, बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह एक सीट से जीते, जिले की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। औरैया में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर किया कब्जा, सपा निर्दलीय को एक एक सीट पर करना पड़ा संतोष। देवरिया में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 16 से 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, बीजेपी प्रत्याशी ने जीत के बाद निकाला जुलूस, कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। जौनपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, बीजेपी के 14 उम्मीदवार जीते, सपा के 3 और निर्दलीय के 4 उम्मीदवारों की जीत। चौसी में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, बीजेपी को 4 सीट, सपा को 1 सीट और 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा। महाराजगंज जनपद में 12 ब्लॉकों में से 10 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने दर्ज की जीत, सपा को केवल 1 सीट से करना पड़ा संतोष। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का नहीं खुला खाता, बीजेपी को मिली बंपर जीत। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख पद की 12 सीटों पर जीत दर्ज करने में हुई कामयाब, सपा ने भी 8 सीटों पर दर्ज की जीत। मऊ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की महाजीत, जीतने वाले प्रत्याशी ने मनाया जीत का जश्न। आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के सभी 22 सीटों के नतीजे घोषित, 22 सीटों में से 12 सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने मारी बाजी। अमरोहा के जोया ब्लॉक प्रमुख की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, जुल्फिकार अली चौथी बार बने ब्लॉक प्रमुख, पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के भतीजे हैं जुल्फिकार। बलरामपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव कांग्रेस का खुला खाता, 9 सीटों में से बीजेपी का 8 सीटों पर कब्जा, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। सोनभद्र में नगवा विकासखंड में पूरे दिन रहा गहमा गहमी का माहौल, बीजेपी की जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रशासन पर लगाया हेराफेरी कर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का आरोप। रामपुर में शाहबाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के घर पुलिस का छापा, 3 हथियार बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी के निगासन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी विधायक पर सपा प्रत्याशी के पति को धमकाने का लगा आरोप, धमकी देने का वीडियो वायरल, धमकी देते समय कोतवाल भी मौके पर थे मौजूद। बहराइच में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर निशाना, कहा गाजी का सम्मान राष्ट्रद्रोह से भी बड़ा पाप। बागपत कोर्ट में लोक अदालत का हुआ आयोजन, मोटर व्हीकल घरेलू हिंसा बिजली बिल और बैंकों के ऋणों का मौके पर निस्तारण, करोड़ रुपए की हुई वसूली। कानपुर में नेशनल हाईवे पर हादसा रोकने के बाद पुलिस कमीशन ने 12 टोल प्लाजा के मैनेजर संघ की बैठक, हादसा रोकने को लेकर बनाई रणनीति। वाराणसी में 2.5 करोड़ की शराब पर पुलिस ने चलाई जेसीबी, देसी और अंग्रेजी शराब की 4000 पेटियां हुई नष्ट, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पा गया काबू। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ दबंगों का आतंक, पैसे के वाद में की मारपीट के बाद फायरिंग, घटना का वीडियो वायरल लेकिन अब तक नहीं हुई कार्रवाई। कानपुर के एलर्ट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, डीएम की रिपोर्ट के बाद 2 फार्मासिस्ट और 1 सिस्टर इंचार्ज निलंबित, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कई कर्मचारियों को भी बर्खास्त करने की तैयारी। ललितपुर में रेल ओवरब्रिज निर्माण के दौरान खुदाई करते समय पेयजल पाइपलाइन टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ी, लोगों ने सेतु निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी इलाके में बदमाशों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी को मारी गोली, मौके पर गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरुखाबाद में घरेलू कलह के चलते शख्स से पत्नी की फावड़े से हत्या कर मौत के घाट उतारा, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में युवक को खंभे से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी।